इंस्पायर हुई औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, इनसे वो घायल पड़ी हुई हैं इनके घर पर, इन रो रही हैं, बिलख रही हैं, सर फूट रखे हैं उनके, जख्मी हालत में हैं, जाए जहां पर वो आपस में झगड़ा कर रही हैं। जो सास होती है वो तो भैया किसी डायन से कम ही नहीं होती। चैनल टिम्पल व्लॉग्स, तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से आप लोग लाइक कर दो। तो चलिए, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पर शेयर किया है कि आज यही बात होगी, और मेरा एक कल का भी क्वेश्चन है जिस पर मैंने बोला था कि प्रेग्नेंट है कौन सी यूट्यूबर, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, पुतन से इंस्पायर हुई भारतीय ही नहीं, हमारी देश विदेश की महिलाएं, देश विदेश की लड़कियां जो इतनी इंस्पायर हो गई कि एक लड़की जो, एक औरत जो है जिसके दो तीन खुद के भी बच्चे हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मैं इंस्पायर हुई हूँ पुत्तन से, मुझे घर संभालना नहीं आता था। घर संभालने से लेके चीजें चीजें अपनी जगह पर व्यवस्थित रखने से लेके ये सब चीजें जो है मैंने पुत्तन से ही सीखी है, तो उसके लिए तो भैया थैंक यू बोल रही है एक तरह से वो। लेकिन वो सितारा जैसीन की भी बात कर रही थी, तो बिल्कुल, तो समझ जाएं आप इस चीज को कि दूसरे मुल्कों में भी बात की जा रही है पुत्तन की ही, कि सीखना चाहिए पुत्तन को देखकर कि इतने दर्द में रहते हुए भी कैसे पुत्तन ने जी है अपनी जिंदगी और जी रही है अपनी लाइफ, कैसे उसने अपना दिल का दर्द जो है अभी तक सोशल मीडिया पर शेयर किया ही नहीं है, और उसने अपने घर की बातें जो है वो घर तक ही रखी है। ये सब चीजें जो है पुत्तन से सीखनी चाहिए। अभी वो डेली की व्यूअर्स हैं पुत्तन की, क्योंकि ये चीजें तो उनको पता है कि वो दर्द की कौन सी दर्द, कौन सा दर्द अभी वो झेल रही है ना। तो भैया वो जो उसने लाइव लाइव खेला था, तो मैं पूछना चाहती हूँ, तो वो क्या था जब एकदम से दहाड़ मारी थी, दहाड़ मारते हुए चारों खान ने चित किया था नंदनपुर वालों को, तो वो दहाड़ क्या कहती थी? वो दहाड़ जो है वो आपके कानों तक नहीं आई, मेरे तो कानों में खून निकल आया था, खून निकल आया था मेरे कानों में। तो वैलेंटाइन डे पर रेड रेड कपड़े पहने हुए खूब एंजॉय करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर हमारे कुछ करेक्टर्स, जैसे कि जूठी, जैसे कि पुत्तन, है ना, आप लोगों के सबके सामने ही है। लेकिन वैलेंटाइन डे जो है, मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, शत शत नमन करना चाहती हूँ उन शहीदों को जो कि आज ही के दिन पर पुलवामा में शहीद हुए थे, ठीक है। लेकिन ऐसा सोशल मैसेज जो है कोई भी इनके यहाँ के एपिसोड में नजर नहीं आता, लेकिन देश विदेश की लड़कियां जो हैं वो इनसे इंस्पायर हैं। जैसे कि जूठी की प्रेगनेंसी जो थी उसकी वजह से कितनी औरतें, लड़कियां डर गईं, यही चीजें जो हैं पुत्र ने दीवार का सहारा लेते हुए कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में एक गलत मैसेज जो है दिया जा रहा है, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, और जहां पर कहा है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत है, तो वो गलत पे आप अपनी आवाज उठा सकते हो, तो जी बिल्कुल गलत हो रहा है और हमने अपनी आवाज उठाई है, ठीक है। तो ये चीज जो है मैं ये भी यहां पर क्लियर करना चाहती हूँ कि जो औरतें इनसे इतनी इंस्पायर हैं, तो वो औरतें जो हैं आते जाते चलते फिरते खाने पकाते हुए ही बातें करती हैं, मतलब कभी सामने आके रूबरू बात करनी चाहिए उनको। लेकिन यहाँ पर मैं उनका बिल्कुल भी चैनल का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं किसी को भी प्रमोट करने वाली नहीं हूँ। एक आवाज जो मैंने देखी, मैंने सुनी, वो आवाज जो है मैंने आप तक पहुँचाई कि पुत्तन से वो इतनी इंस्पायर है कि कैसे उसने अपने घर की बातें जो है अपने घर में रखी, लेकिन सितारा जासीन ने जो किया वो गलत किया था। लेकिन सितारा जासीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपने हस्बैंड की बातें जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर सबके सामने रखी हैं, तो मतलब ये हो गया पुत्तन सही है वो गलत है, उनके कानों तक वो दहाड़ नहीं पहुंची, ठीक है। तो ये वो वाली बातें हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूंगी मैं डीजे मी को कि भी देखिए, जो झूठी है, जानकी मोटू पतलू की जोड़ी जो झूठी है, तो उसकी वजह से जो मोटू बिटिया है आपके सामने आई, आपकी नजरों के, जो झूठी है उसकी वजह से आपके सामने आई है मोटू बिटिया, ठीक है, उसी की वजह से रिश्ता बनाया आपका। लेकिन नंदनपुर वालों से तो कुछ साल पहले ही आपका रिश्ता बन चुका था,
वहां पर आपकी दो दो बेटियों की शादी हुई है, तो जैसे ही यहाँ पर ये लैंड करी है तो क्यों नहीं बड़ों को बीच में बिठा कर वो चीजें जो है क्लियर हो जाती है ना, तो वो बातें जो है इस टाइम पे सब लोग थे वो बातें भी क्लियर हो जाती, अपनी बेटियों का एक घर बसाते और एक मैसेज भी देते हुए नजर आते। अगर वाकई में ही आपको लगता है कि नंदनपुर वाले बहुत गलत हैं लेकिन वो बस आप लोगों के सामने अच्छे हैं, तो पुल के उस पार पुल के इस पार का जो लेन देन था लास्ट ईयर कपड़ों का कुछ और चीजों का, तो वो क्या इस बार नहीं हुआ? ऐसा लगता नहीं है, लगता कि शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं पैचअप हो चुका है, क्योंकि चेहरे पर वाकई में ही खुशी नजर आई है नंदनपुर वालों के भी। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो पैचअप हुआ है। आई होप सब अच्छा ही होगा, जो भी होगा अब आप लोगों के सामने होगा। अगर व्यूज का ही चक्कर है तो वाकई में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इस बार जो पब्लिक है भैया इनसे इंस्पायर होकर ना घायल पड़ी हुई है, सच्ची बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो वो पब्लिक फिर क्या करेगी, कैसे कैसी बातें करेगी, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो पब्लिक है, जो इंस्पायर हुई औरतें हैं, जो लड़कियां हैं इनसे, वो घायल पड़ी हुई हैं इनके घर पर, इनके एपिसोड के नीचे रो रही हैं, बिलख रही हैं, सर फूट रखे हैं उनके, जख्मी हालत में हैं, लहूलुहान है वो। ठीक है, उनकी मरहम पट्टी एक ही चीज से हो सकती थी कि उस चीज को बंद ही किया जाए जहां पर वो आपस में झगड़ा कर रही हैं, लेकिन ये नहीं करेंगी क्योंकि काफी बिजी शेड्यूल है इनका, है ना। अब की जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताऊं कि यहाँ पर ये गए थे, जैसे कि ब्रांचेस मैंने कल भी बोला है कि ओपन हुई हैं, तो ये उनके चेहरे सामने नहीं लाना चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पता लग जाए कि ऑफिस में जो ब्रांचेस में लोग काम कर रहे हैं उनके कौन कौन है, उनकी फेस वैल्यू ना बन जाए, है ना, इसलिए इन्होंने हेल्प नहीं की थी। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपको बताऊं जो छोटे होते हैं ना, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो खोमचे वाला है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो मतलब कोई भी जिसका छोटा सा चाहे बिजनेस क्यों ना हो, दिल बहुत बड़े हैं भैया, दिल बहुत बड़े हैं। ऐसे ही हमारे को भी उनके जिनकी हेल्प करी थी किसी टाइम पर, आप लोगों को पता है को किसकी, तो फर्स्ट इसी चैनल से करी गई थी। ठीक है, और हमें ही धमकियां दी गई थी, तो चलिए हम तो अपना कर्मा कर रहे हैं, जैसा कोई किसी को देता है उसको वैसा मिलता जरूर है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हुए ये चीजें मैंने आप लोगों के सामने सब चीजें क्लियर करी हैं। कहीं ना कहीं डराया जा रहा है उन लड़कियों को भी कि शादी के बाद ऐसे ही होता है, परेशान ही होते हैं। ठीक है, घर वाले हमेशा दुखी ही करते हैं, और जो सास होती है वो तो भैया किसी डायन से कम ही नहीं होती है ना, मतलब पतियों के सिंग निकले होते हैं और जो सास रहती है उनके दांत बाहर आए होते हैं। ये एक नक्शा तैयार करके ड्राइकुला वाला, अरे ड्राइकुला नाम देते हैं, सुना है ना कि ड्राइकुला जो होता है वो मतलब ब्लड पीता है ना ऐसे, तो मैंने बहुत सारी वैसे नॉवेल्स पढ़ रखी हैं, मैं खैर अपनी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, पीता है ना तो वो भी ड्राइकुला बन जाता है, मतलब वो ही सब चीजें यहाँ पर, ड्राइकुला जो है वो झूठी है, बताओ एक नाम और इजाद हो गया, क्योंकि उसी ने तो ब्रांचेस खोल रही है ना। पर यहाँ पर डायन वर्ड जो है वो यूज करा जाता है सास के लिए, लेकिन यहाँ पर जो एक मैसेज दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर औरतों को, या फिर जिनकी शादी हो रही है उन लड़कियों को, एक यही कि ससुराल वाले ऑलवेज बैड, हमेशा ही बुरे रहते हैं, हमेशा ही बुरे ही होते हैं, बुरा ही होना होता है आप लोगों के साथ। लेकिन मेरे थ्रू भी एक मैसेज है, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है कुछ भी है तो उसको दूर रह के हैंडल नहीं किया जाता, वहीं रह के उसी जगह पर, एक पुत्तन को भी यही मैसेज है, उसी जगह पर स्ट्रगल करते हुए बार बार वहां से ना भागते हुए स्थितियों का सामना करें। ठीक है, स्थितियां इतनी भी तो बुरी नहीं होंगी जितनी अब है ना, तो बस वही बातें हैं कि किसी को थोड़े में भी दर्द इतना दिखता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक प्रेगनेंसी का भी खेल खेला जा रहा है।
आज आप लोगों के सामने मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर एक यूट्यूबर है जो कि मुझे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने पहले बोला था आयान मोम के लिए, तो वाकई में ही वो प्रेग्नेंट ही निकली थी, लेकिन उनका जो उनके साथ मिस हैपनिंग हुई है वो भी उन्होंने शेयर करी है सिर्फ और सिर्फ 2 एपिसोड में। ठीक है, उन्होंने बहुत लंबा नहीं खींचा, झूठी जैसे 7 एपिसोड बना लिए और उसके बाद में ये चीजें बोली कि मैं 1 वीक पहले की एपिसोड जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं, उन्होंने सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने ये चीजें रखी हैं, क्लियर करी हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है। तो चलिए, उसके लिए उनको तो हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं होना पड़ा है ना, तो वो बातें हो गई। लेकिन यहाँ पर जो यूट्यूबर जो है इस टाइम पे जिसकी बात हो रही है, उसका नाम है दिव्या। ठीक है, उसने काफी लोगों की हेल्प करी है, कितने लोगों को उसने प्रमोट किया है जिनके चैनल जो है इस टाइम पे बहुत अच्छे ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है दिव्या ने अगर प्रमोट किया है तो, लेकिन वो चैनल वाले कभी किसी को प्रमोट नहीं करते है ना। वही बात है ना कि आप प्रमोट करने से पहले भी देखो कि वाकई में ही कि चलिए जरूरत थी उनको, आपने प्रमोट किया, लेकिन वो कभी किसी की हेल्प नहीं करते। ठीक है, तो ये तो भैया कर्मा कर्मा की बात है यहाँ पर, तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा जरूर। दिव्या ने अच्छा किया तो उसको अच्छा मिलेगा, लेकिन दिव्या जो है मुझे लगता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, लेकिन उसमें और जो प्रिया है उसमें आपस में कुछ बातें हुई थी ऐसी जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी किसी को नहीं दिखाई, अपनी दोस्ती में किसी तीसरे को आने नहीं दिया। ठीक है, और खुद ही सॉर्ट आउट करी है वो चीजें, तो आज वो फिर एक है। इस दोस्ती को मैंने यहाँ पर शेयर किया है। ठीक है, तो लेकिन बात तो हमारी पुत्तन और जूठी पर भी थी ना, वो तो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी, तो आई होप आप लोग वो चीज़ें समझे होंगे। और मामा के लड़के के बारे में भी मैंने बोला है यहाँ पर, वो भी चीज़ें समझे होंगे कि मेरे को धमकी जो है वो आईडी चेंज करके दी गई थी बत्ती की ओर से। ठीक है, सरेआम ही दी गई थी और प्रूफ है, विद प्रूफ है मेरे पास में वो। तो चलिए ये कुछ बातें हैं, लेकिन न्यू मॉमिस को भी डराना बंद करो। सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज दिया था झूठी ने उस टाइम पे, कितना डराया था, कितना डराया था, वो रेड टॉवल वो रेड टॉवल को लेके है ना, बताओ रेड टॉवल, ड्राइकुला, डायन, मतलब कितना सब आपस में मैच कर रहा है ना। बिल्कुल एक जंगल वाली स्टोरी, एक जंगल वाली फील ही आ रही है ना, ऐसा मतलब हम लोग पहुंच के वहां पर। तो ये हैं वो सोशल मीडिया पर गलत मैसेज कन्वे करने वाले, न्यूली मैरिड कपल को डराने वाले, न्यू मॉमिस को डराने वाले, जो कि न्यू मॉमिस बनने वाली हैं, कई औरतें लड़कियां प्रेग्नेंट हैं उनको डराने वाले। ये वो लोग हैं जिनको, उन लोगों को समझ में नहीं आया जो कि उनके डेली के व्यूअर हैं। ठीक है, और उनका कहना है कि सीखिए इनसे, कुछ सीखिए, बताओ क्या सीखना था इनसे। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।